आज बीजेपी ने जहां आक्रोश रैली निकाली तो वहीं जेएमएम ने इस रैली के कार्ड के रूप में अधिकार रैली अधिकार मार्च किया है। यानी जहां पर बीजेपी आरोप लगाती रही कि राज्य की मौजूदा सरकार है, हेमंत सरकार है, उसने युवाओं को छला है, तो वहीं जेएमएम ने झारखंडी अधिकार मार्च निकाला और इस मार्च के जरिए ये बताने की कोशिश की कि कैसे केंद्र सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है, राज्य के हक को मार रही है। कई चीज़ों पर नेताओं ने अलग अलग तरह की बातें कही हैं, तमाम उन चीज़ों का जिक्र किया है जो केंद्र से सहयोग नहीं मिल पा रहा है। तो एक रैली के आक्रोश रैली के जगह झारखंडी अधिकार मार्च से उसे काटने की कोशिश की जेएमएम ने और इसे लेकर राज्य भर के जिलों में रैलियां निकाली। राजधानी रांची में भी रैली निकली और केंद्र सरकार पर नाराजगी जाहिर करते हुए तमाम जेएमएम कार्यकर्ता और नेता नजर आए। उनका कहना है कि राज्य का हक मार रही है केंद्र सरकार। सौरभ जुड़े हुए हैं इस मामले पर अपडेट के साथ। सौरभ, जहां एक तरफ बीजेपी अपना आक्रोश दिखा रही थी, युवाओं को छलने का आरोप लगा रही थी राज्य सरकार को, वहीं जेएमएम ने भी अपना झारखंडी अधिकार रैली निकाला और इस मार्च के जरिए ये बताने की कोशिश की गई कि कैसे झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। तो दोनों बीजेपी की रैली के कार्ड के रूप में इसे झारखंड अधिकार रैली को हम देख सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां जैसे जैसे तेज हो रही हैं, सभी राजनीतिक दल अपने अपने तैयारियों में लग गई हैं। अब इसी को लेकर एक और जहां भाजपा ने आज राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में राज्य भर से युवाओं को जुटाकर युवा आक्रोश रैली निकाली, तो वहीं कह सकते हैं इसके काउंटर में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने आज राज्यभर के जिला मुख्यालय में झारखंडी अधिकार मार्च निकाला गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता सड़कों पर दिखे। और ये अधिकार मार्च की यदि बात की जाए तो केंद्र सरकार के नीतियों के खिलाफ इस अधिकार मार्च को बताया गया और केंद्र सरकार पर आरोप लगाए गए कि राज्य का जो बकाया पैसा है वो केंद्र सरकार नहीं दे रही है। इसके साथ ही 1932 और सरना धर्म कोड जैसे मुद्दे पर सरकार ने चुप्पी साध ली है, इसी को लेकर ये अधिकार मार्च निकाला गया है। तो कह सकते हैं कि एक और जहां युवाओं की बात भाजपा के द्वारा किया गया, वर्तमान सरकार हेमंत सोरेन को घेरने की कोशिश की गई, तो वहीं केंद्र सरकार को भी झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से घेरने की कोशिश की गई। तो इसका आक्रोश मार्च का ये काउंटर कहा जा सकता है, लेकिन ये इन सब के बीच सबसे अहम बात यह है कि जेएमएम ने आरोप लगाए हैं कि जो युवा पहुंचे थे आक्रोश रैली में ये भाड़े पर बुलाए गए थे और उपद्रवी है, इस प्रकार से उनका आरोप लगाया गया है कि ये विफल रहा है आक्रोश रैली। तो वहीं अधिकार मार्च में भी उन्होंने कहा कि हमारे अधिकार मार्च को देखिए किस प्रकार से लोगों का यहाँ पर गुस्सा दिख रहा है, सरकार जिस प्रकार से सौतेला व्यवहार राज्यों के साथ कर रही है, खास करके झारखंड के साथ, तो ये साफ तौर पर झलक रहा है। जी, दोनों रैलियों को कवर किया सौरभ आपने और लगा कि एक रैली दूसरी रैली की काट थी? जी बिल्कुल, कह सकते हैं कि काट तो इसकी मानी जा सकती है, क्योंकि एक और जहां भाजपा ने जिस प्रकार से उसके बाद भगदड़ की स्थिति उत्पन्न हुई, प्रशासन की ओर से वाटर कैनन से पानियों की बौछार की गई, आंसू गैस के गोले दागे गए, तो एक और जहां भाजपा राज्य सरकार पर हमलावर दिखी, तो वहीं अधिकार मार्च में राज्यभर के जो जिला मुख्यालय में जो अधिकार मार्च निकाले गए तो वहाँ से केंद्र सरकार के नीतियों पर सवाल उठाए गए। तो पक्ष और विपक्ष क्या आरोप लगाए सौरभ, जो नेता कार्यकर्ता शामिल हुए इस जनाधिकार झारखंडी अधिकार मार्च में, उन्होंने किस तरह के आरोप लगाए हैं केंद्र की बीजेपी सरकार पर? जी बिल्कुल, देखिए कुछ यदि आरोपों की बात की जाए तो सबसे पहले तो 1932 के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि सरकार ने चुप्पी साध ली है, भाजपा इसके ऊपर कुछ बोल नहीं रही है। इसके साथ ही सरना धर्म कोड का मुद्दा क्यों नहीं उठ पा रहा है, वहीं राज्य का बकाया पैसा राज्य सरकार को नहीं दिया जा रहा है, इसके साथ ही कोल इंडिया यहाँ कोयला खदान यहाँ और इसका मुख्यालय दूसरे राज्य में है, तो इन सब मुद्दों को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से आज राज्य भर के मुख्यालय में अधिकार मार्च निकाला गया था। तो और वहीं दूसरी ओर युवा आक्रोश रैली में भी जो भाजपा के नेता पहुंचे थे, उन्होंने वर्तमान हेमंत सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि ये सरकार सिर्फ युवाओं को ठगने का काम कर रही है, इसका जवाब इस बार के चुनाव में युवा हेमंत सोरेन को देने जा रही है।
चलिए शुक्रिया सौरभ इस तमाम जानकारी के लिए। तो जेएमएम ने भी झारखंडी अधिकार मार्च निकाला और केंद्र सरकार को, या यूं कहें कि बीजेपी को घेरने की कोशिश की। कई तरह के आरोप लगाए कि केंद्र सरकार झारखंड का जो हक है उसे मार रही है, प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि बकाया है, इसके अलावा कई चीज़ें जो केंद्र की तरफ से योजना में मिलती हैं पार्टनरशिप में राज्य सरकार को, उसे रोका गया है। ये भी आरोप लगाया कि यहाँ खेलो इंडिया का भी आयोजन हुआ लेकिन उसमें जहाँ से ज़्यादा खिलाड़ी नहीं है उस राज्यों को भी ज़्यादा फंड दिया गया लेकिन झारखंड को ज़्यादा फंड नहीं दिया गया है। कई तरह के आरोप लगाकर केंद्र को, बीजेपी को घेरने की कोशिश जेएमएम ने की है।